और तर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन की कब्रस के मामले पर पाबंदियों के रद्दअमल में यूरोपीय ममालिक को दाइश के तमाम कैदियों को रिहा करने की धमकी दे दी। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की दाइश के जंगजुओं को उनके मुल्क भेजने का काम जारी रखेगा, चाहे वो ममालिक उन्हें वापस लेने से इनकार करें। तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया कि आपको तुर्की के लिए अपने मौकिफ पर नजर सानी करनी चाहिए, जिसके पास कई दाइश के कैदी हैं और शाम में उन पर कंट्रोल है। गुज़श्ता रोज तुर्की की वजारत दाखिला के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा था कि दाइश से ताल्लुक रखने वाले एक अमरीकी दहशतगर्द को मुल्क बदर कर दिया गया है, जबकि जर्मनी के मजीद 7 दहशतगर्दों को रवां हफ्ते के आखिर तक मुल्क बदर किया जाएगा। यूनान और किब्रस ने जुनूबी किब्रस में गैस के लिए ड्रिलिंग के तनाजे पर अंकरा पर इक्तसादी पाबंदी का मुतालिबा किया था, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा ने अंकरा पर गुज़श्ता रोज ये पाबंदियां आयद की थी।